एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और 2 दिन हो गए थे मेरा कोई ब्लॉग नहीं गया था, तो इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। ये कि ब्लॉग बनाने का मन भी नहीं किया और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या शूट करूं, क्योंकि वही नॉर्मल लाइफ थी। हस्बैंड सुबह सुबह निकल गए थे। उसके बाद फिर दिन में मैं वही थोड़ा सा काम फिनिश करके मैं मम्मी के पास चली गई थी। तो फिर ऐसा कोई मतलब एक होता है ना कि हाँ चलो इस चीज़ को शूट करते हैं, या फिर कुछ लगता है कि हाँ आप लोगों के साथ शेयर करना है तो उसको शूट करते हैं। तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, लाइफ बहुत ही बोरिंग हो गई है, क्योंकि सुबह सुबह हस्बैंड निकल जाते हैं, उसके बाद फिर अकेले रहने से अच्छा है कि मायके चले जाओ। तो मैं मायके चली जाती हूँ, बस वहीं की थोड़ी सी क्लिप होगी तो वो भी मैं आप लोगों के साथ लास्ट में शेयर कर दूँगी। बाकी हो सकता है कल आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा सा ब्लॉग मिले देखने को, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं नवरात्रे ख़त्म हो रहे हैं, हो गए हैं ऑलमोस्ट, और माता जी के मंदिर का दो दरवाज़ा होता है जो दर्शन के लिए छोड़ा जाता है, वो भी खुल चुके हैं। तो आप लोग मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा कि आप हो के हाँ मेले में कितनी रौनक हो, क्या होता है हमारे यहाँ लखनऊ में, जो भी होता है मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वैसे तो मैं ज़रूर चाहूँगी और शूट भी करूँगी, तो शेयर करना तो बनता ही है आप लोगों के साथ। तो वेट करिएगा, आप लोगों को बहुत जल्द ही दो एक कल परसों में एक इतना अच्छा नवरात्रि का ब्लॉग मिलेगा कि आप लोग खुश हो जाएंगे कि मैंने आप लोगों को खुश कर दिया। इतना अच्छा मैं आप लोगों को लखनऊ के नवरात्रि के मेले की शेयर करवाऊँगी। तो बस यही था मेरा अपडेट, आज का अपडेट जो था वो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। ब्लॉग में शेयर कर पाई तो क्या हुआ, अपडेट ही दे देती हूँ छोटा सा आप लोगों को, बस इतना सा ही अपडेट है। और जहाँ तक हो सकता है आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं कहाँ पर बिजी हूँ, तो इन सब चीज़ें सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ जल्द ही ओपन करूँगी, शेयर करूँगी आप लोगों के बीच में। बस यही है कि कुछ चीज़ें हो जाएं तब शेयर करना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये सस्पेंस भी आप लोगों के साथ जल्द ही मैं शेयर करूँगी, जल्द ही ओपन भी करूँगी और शेयर भी करूँगी कि अभी तक मैं इतना रुक रुक के क्यों ब्लॉगिंग कर रही थी। और वो पर अगर आप लोग बने रहेंगे तो आगे आपको काफ़ी अच्छे अच्छे ब्लॉग मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के दिन की थोड़ी सी क्लिप जो मैंने शूट की थी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैं घर पे आ चुकी हूँ और यहाँ पर मेरा छोटा सा जो भतीजा है वो टीवी में कार्टून देख रहा है। कार्टून जो है वो समझ सकते हैं कि बच्चों के फेवरेट होता है, तो कार्टून के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं चल सकता है। अगर घर में कोई बच्चा हो तो मेरे इस पास से कौन कौन लोग एग्री हैं कि अगर घर में बच्चा है, छोटा बच्चा है स्पेशली, तो कार्टून ही चलता है ऑलमोस्ट टीवी पे, ज़्यादातर टाइम कार्टून ही चलता है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे इस बात से कौन कौन एग्री करता है। तो फ़िलहाल मैं अपनी मम्मी का जो है जो बिंदी बिंदी और भी चीज़ें रखने वाला जो बॉक्स है वो सेट कर रही हूँ। उसमें जो थोड़ा बहुत बैंड और ये सब जो होता है वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, जो वो नहीं कर पाती हैं, तो वही मैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। यहाँ आती हूँ तो धीरे धीरे करती रहती हूँ।
यही सब सही करके थोड़ा सा बस इधर उधर हो जाता है, वही थोड़ा सा इधर उधर, जैसे ये यूज़ करते करते हमारा खुद ही हमारा जो ड्रेसिंग टेबल होता है वो थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज हो जाता है। तो बस यही थोड़ा सा बैठे बैठे मैं कर देती हूँ। आप लोग भी बताइएगा कि कौन कौन अपनी मम्मी के घर जा कर के उनकी चीज़ों को उनके, पहले शुरू से ही मेरे साथ ऐसा रहा है कि मैं अपने घर में अपने मायके में जो है वो मैं अपनी मम्मी का हर चीज़ को मैं ही रखती थी। मेरी मम्मी आती थी तो वो हर चीज़ जो है वो मुझे दे देती कि ये रख ले, ये यहाँ रख देना, या मम्मी की साड़ियाँ, मम्मी का सब कुछ। एक शौक़ रहता है कि मम्मी की है, मैं बड़ी होंगी तो मैं पहनूंगी। मेरे में ये शौक़ बहुत ज़्यादा था, पहले जो था वो मेरे में बहुत ज़्यादा था कि मुझे बहुत शौक़ था कि मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं मम्मी की साड़ियाँ पहनूंगी। और शादी के बाद ये चीज़ नहीं होती है, ये सब चीज़ें सपना ही रह जाता है। लेकिन जब हम लोग छोटे होते हैं तो हम लोग को मोस्टली ये शौक़ रहता है कि हम लोगों को मम्मी की साड़ियाँ पहनने का मन करता। और मैं मम्मी से हमेशा यही कहती थी कि मम्मी मेरी जब शादी होगी तो मुझे ये वाली साड़ी दे देना और ये वाली साड़ी दे देना। और अब उन सब साड़ियों का नामो निशान भी नहीं है। तो मेरे साथ ये ज़रूर शेयर करिएगा कि कौन कौन से ऐसी लम्हे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो शादी के बाद अक्सर याद आती हैं, और किन किन लोगों का, आप लोग में से कितने लोगों के साथ ये हुआ है कि शादी के पहले वे छोटे में किन किन लोगों ने ये अपनी मम्मी से कहा है कि मम्मी मुझे अपनी साड़ी दे देना। तो ये है मेरा कमरा जो कभी मेरा हुआ करता था लेकिन अब मेरा नहीं रहा है। ये कि मेरी लाइफ अलग ढर्रे पे चली गई। ये है मेरे बचपन की, बचपन क्या आप कह सकते हैं कि मैं 12th क्लास में थी जब मेरा बड़ा वाला भतीजा जो है वो मेरे ख्याल से 6 महीने का तक कि ये पिक है, पता नहीं आप लोगों को क्लियरिटी से दिख रही है कि नहीं दिख रही है। ये तब की पिक थी जो अभी तक मेरे कमरे में एज इट इज़ रखी हुई है। तो चलिए फिर गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, वेट जरूर करिए।